Hello, welcome back. Welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Dev Rupa. I'm an astrologer and so also a tarot reader. So, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो मैं बता दूँ, इस चैनल पर एस्ट्रोलॉजी, प्रेडिक्शंस, कमिंग वीक, मंथली रीड्स, ये सभी कुछ होता है, पिकर कार्ड्स भी होते हैं. अगर आप सभी को इन सब में दिलचस्प है तो ये चैनल आपके लिए है. टूडेज रीडिंग विल बी अबाउट माई स्कॉर्पियो पीपल फॉर द मंथ ऑफ फेबरवरी 2021. आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियो व्यक्तियों के लिए, वृश्चिक राशियों के व्यक्तियों के लिए फेबरवरी 2021 की प्रेडिक्शंस होगी ये. ओके, पहले हम लोग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग टायर रीडिंग्स पे जाएंगे. पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ये सभी जनरल रीडिंग्स है, सो दे मे नॉट रेजोनेट फॉर ऑल ऑफ यू, बट इफ दे डू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ऑल्सो वंस आई हिट 1000 सब्सक्राइबर्स, दैट इज 1K, आई विल स्टार्ट गिविंग अवे फ्री रीडिंग्स एवरी मंथ टू वन और टू पीपल, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन हु विल कमेंट द मोस्ट एंड द स्वीटेस्ट. So I hope you guys will join me in this and we will see what is there in your horoscope for the month of February 2021. As for the horoscope, you will be in some sort of disturbance and you should fix some of the, composure. Problems on the home front due to planetary aspects will be on the agenda. आपके घर पे कोई issues हो सकते हैं, especially कोई एक investment related, आपके घर की कोई joint assets related issues हो सकते हैं आपके घर में, ठीक है. So just keep that in mind to not go into some conflict with your parents or with your family members or your spouse. So whatever there is in your family front, आपके घरेलू जो मामलात है, घरेलू business या तो घरेलू कोई एक मामलात को लेके confrontations, problems आ सकते हैं. So आपको ये याद रखनी है कि इस time पे घर के किसी भी member के साथ झगड़े में उलझनी नहीं है. You have to keep self-interest behind for the time being and the attention should be on other and their actions. Romance will be prominent during the later half of the month and there will be a good opportunity for singles to form love relationships and have, a good healthy startings. So I feel like by the end of February 2021, you guys will be coming across many romantic relationships. आपके बहुत सारे romantic relationships के संयोजन हो सकते हैं, बहुत सारे romantic relationships आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं. या तो आपकी कोई एक क्रिएटिव आइडिया अचानक से आपकी आपके दिल में दस्तक दे सकती है और आप सोचते हो कि उसको लेके कुछ किया जाए. ऑल्सो आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करोगे, आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे नए चीज़ें करने की मन होगी. पर मैं कहूँगी कि 21st तक, क्योंकि हम लोग की आपके आई थिंक थर्ड हाउस पे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जा रही है, तो थर्ड हाउस इज़ बेसिकली आवर सिबलिंग्स, हम लोग की भाई बहन को समझाता है. थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन को समझाता है. थर्ड हाउस हमारे एस्पिरेशंस, इंस्पिरेशंस, बाकी बहुत सारी चीज़ों को समझाता है. Also, I feel like Mercury is in Sagittarius. Wait, let me see. Sagittarius, Capricorn, Aquarius. Yeah. So it's the third house from yours. And yes, surely there could be some problems related to your siblings. आपके elder siblings के साथ आपके थोड़े बहुत झगड़े हो सकते हैं. आपके नॉर्मली कम्युनिकेशंस थोड़ा हे वायर जा सकता है. कम्युनिकेशंस में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. भाई बहन के साथ अशांति, ये सब चीज़ें स्कॉर्पियो जब थर्ड हाउस में, स्कॉर्पियो के थर्ड हाउस में जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जाती है तब ये सारी चीज़ें हो सकती है. कोई लीगल इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा. कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे. रिलेशनशिप के फ्रंट से देखा जाए तो कोई एक नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो सकती है आपकी ज़िंदगी में. ओके, सो कीप दैट इन माइंड. एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ यू विल वांट वार्म कम्युनिकेशन एंड मीटिंग्स विद द लव्ड वंस. देयर विल बी फ्री टाइम फॉर ब्यूटी एंड स्पोर्ट्स. आप अपने आप को बहुत ख्याल रखेंगे, आपको घूमने जाने की फिरने की मन होगी. सम स्कॉर्पियोज विल रिसीव साइन दैट इट इज़ टाइम टू पे अटेंशन टू देयर ओन वेलबींग और हेल्थ टू द पीपल हु आर यंगर टू देम. मीन्स आपके घर में अगर कोई आपसे यंगर है, आपके चिल्ड्रन या तो आपके जो भाई बहन है जो आपसे यंग हैं, उनका थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है. एंड क्रिएटिव इम्पल्स इन रिलेशनशिप विल बी नोटिसबल. स्कॉर्पियो इन लव विल वेक अप आइडियाज़ ऑन हाउ टू प्लीज देयर सोलमेट. आप अपने जो भी पार्टनर रहेंगे उनको प्लीज करने की बहुत सारे टेक्निक्स सोचोगे, करने का कोशिश करोगे और सेम वो भी ऐसा करेंगे. The sun is gradually gaining strength in addition. The influence of the pattern
planets of Mars and Uranus is increasing. This is the best time of the month for Scorpio to plan big purchases. Financial transactions will be successful. Expenses are offset by a good mood from realizing the usefulness of acquisition. आई फील लाइक आपके लेटर हाफ ऑफ मंथ में, मतलब 21st के बाद अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो वो बहुत एक्सेलेंट टाइम बनता है, बहुत अच्छा टाइम जाता है आपके लिए. उस टाइम पे कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका क्योंकि आपके थर्ड हाउस में मर्क्यूरी डायरेक्ट जाएगी, तो उस टाइम पे आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हो, दोज इन्वेस्टमेंट जनरली कम्स विद अ लॉट ऑफ सक्सेस एंड रिटर्न. सो वो उस इन्वेस्टमेंट्स की बहुत सारे रिटर्न्स आते हैं और सक्सेस भी आती है. तो ऑल एंड ऑल फॉर दिस मंथ स्कॉर्पियोज, आई सी फाइनेंशियल फ्रंट बाई दी एंड ऑफ द मंथ थोड़ा सा अच्छी होती जा रही है. और अगर कोई आपसे यंग है तो उनका थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है. घर पे झगड़े हो सकते हैं, तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डोंट गो इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद समवन. ओके, दैट्स वॉट आई विल सजेस्ट. लेट्स सी व्हाट आर आवर कार्ड्स सेइंग. पहले मैं तीन कार्ड्स यानी कि दो 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 सिक्स कार्ड्स पुल करूँगी. पहला दो होगा आपके मंथ के फर्स्ट हाफ, सेकेंड दो सेकेंड हाफ, थर्ड दो थर्ड हाफ. ओके, सो लेट्स सी. टेम्परेंस, आपको बहुत सारी पेशेंस की जरूरत होगी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ. प्यार का इजहार करना चाहते हो आप किसी से या किसी कोई आपसे, यह मैं ज़रूर देखती हूँ आपके इस टाइम के हॉरोस्कोप पे. ओके, आपकी कोई हार्ट ब्रेक से सिचुएशन है या तो आप थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन भी फील कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है. कुछ तो है. टेन ऑफ कप्स, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आपके घरेलू मामले धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे सेकेंड हाफ ऑफ सेकेंड हाफ ऑफ फेब्रवरी में एंड बाई दी थर्ड. आई थिंक देर इज सम सॉर्ट ऑफ चॉइस दैट यू नीड टू मेक. मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही है स्कॉर्पियोज की आपके लाइफ में इस टाइम पे कोई ऐसी चीज़ें हो रही है जिसमें आपकी बहुत सारी पेशेंस की ज़रूरत है. इस टाइम पे आप किसी को प्यार निवेदन करना चाहते हो, या तो वो लीब्रा वो जेमिनाई हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न. आप यहाँ पे शो कर रहे हो कि आपके पास प्यार है, आप प्यार का इजहार करना चाहते हो, पर मुझे ऐसा लगता है इस प्यार में पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये जो भी व्यक्ति है उनके साथ आप अपना हैप्पी फैमिली देखते हो, या तो आप दोनों के ऑलरेडी फैमिलीज है और आप उस फैमिली को कंटिन्यू करना चाहते हो, पर देर आर सम इश्यूज, देर आर सम ब्लॉकेजेस बिकॉज टाइम पे चीज़ें होती है और टाइम अभी नहीं है. आई गेस दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर इट एंड दैट्स वाई यू नीड टू कीप पेशेंस बिफोर मेकिंग एनी लव ऑफर. अगर आप कोई लव ऑफर करना चाहते हो या तो कोई आपसे लव ऑफर करता है, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम लेके सोच लीजिए बिकॉज पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कुड बी अ सैजिटेरियस यू आर डीलिंग विद एंड विद द टेन ऑफ कप्स एंड द सेवन ऑफ कप्स. बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है आपके फैमिली लाइफ में जहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है. आपको चीज़ों को पेशेंस के साथ डील करने की बहुत ज़रूरत है. एंड विद द लवर्स आई फील लाइक दिस टॉक्स अबाउट चॉइसेस. आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती है बाय द एंड ऑफ द मंथ. अगर करियर फ्रंट में बोला जाए तो एक से ज़्यादा बिजनेस की ख्वाहिश, या तो एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा आपका जॉब ऑफर्स आ सकते हैं. आपको वो जॉब ऑफर समझ में नहीं आ रही है कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, और यू हैव टू मेक सम चॉइस रिगार्डिंग दैट. ऑल्सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऑफ योर्स विद समवन. आपकी कोई एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है किसी के साथ, जिसलिए आप जिसके तरफ आप जाना चाहते हो, प्यार के निवेदन करना चाहते हो. और आई फील लाइक दिस पर्सन हूएवर इट इज़ वर्किंग ऑन देमसेल्व्स. ये जो व्यक्ति है वो अभी अपने ऊपर से अब ऊपर वर्क कर रही है. मुझे ऐसा लगता है ये हार्ट ब्रेक ये तो आपका है. इस व्यक्ति का रिस्पॉन्स ना करने की वजह से आपको शायद हार्ट ब्रेक सी फीलिंग आ रही है, या तो ये व्यक्ति इन जनरली हार्ट ब्रोकन है और वो अभी अपने हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं. दैट्स वाई दिस लव इज़ टेकिंग टाइम. But I feel like they see you as their family member and you also see them as someone who belongs to your family. Either आपकी already उनके साथ family है, या तो उनका मतलब आपके साथ family होने का ऐसा plannings चल रहे हैं and all that. And with this diagonal if I see, I feel like आपके परिवार में कोई एक choice make करने की बात आ सकती है. आपकी परिवार की situation से देखा जाए तो आपको कोई एक choice करनी पड़ी दोनों चीज़ के between.
और मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे आपको इम्पल्सिव होना नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं आपके पास, पर आप पेशेंस को चूज़ कीजिए, हर बड़ी को नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आप चूज़ करना नहीं चाहते हो, तो मैं कहूँगी कि एकदम मार्च में जाके चूज़ कीजिए, क्योंकि इस टाइम का यू नो अगर आप मर्क्यूरी अभी रेट्रोग्रेड जारी है जैसे कि 30th से, एंड वेन एवर मर्क्यूरी इज़ गोइंग रेट्रोग्रेड एंड यू आर ट्राइंग टू कम अप विथ सम यू नो प्रोपोर्शनेट आइडियाज़ जो, या फिर कोई डिसीजन मेकिंग जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एनर्जी में होती है, तब ज़्यादातर टाइम वो यू नो सस्टेन नहीं करती ज़्यादा दिन। सो मैं कहूँगी इस टाइम पे कोई डिसीजंस मत ले, अगर मार्च तक करना चाहते हो तब करो, बट आई सी दैट यू हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस पर्सन, बट यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग इन ऑर्डर टू हैव समथिंग। बाय द एंड ऑफ द फेब्रुअरी आई फील लाइक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू नीड टू वॉक अवे, दैट यू नीड टू रिलीज, ओनली दैट देन यू कैन मूव अहेड। ओके, सो ऐसा कोई एक सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बनता है जो जो एक्चुअली आपको हैप्पीनेस की ओर ही लेके जा रहा है। ये जो भी आप चॉइस करेंगे, मैं कहूँगी आप अपने हैप्पीनेस को चूज़ करो, तभी सही रहेगा। एंड सेकेंडली, मेक योर चॉइसेस वाइजली, दैट्स व्हाट आई विल से फॉर यू स्कॉर्पियो। दिस वाज योर रीडिंग फॉर दी अपकमिंग मंथ, दैट इज़ फेब्रुअरी 2021, एंड आई विल सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियोज। ऑल्सो द वीकली रीड्स आर आउट, सो जस्ट डोंट फॉरगेट टू चेक दोज आउट। ओके, बाय।